हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकनी एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स का हमें फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे क्या दिया गया है, हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमें एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट दिया गया है एंड फैमिली ऑफ लाइंस का हमें फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन हियर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट, कुछ याद आ रहा है? यस, स्ट्रेट लाइन में हमने ये देखा है वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी। Therefore, the equation of a line, equation of a line having intersects A and B on the coordinate axis respectively is, क्या है इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, वेयर ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर ए एंड बी आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो आप बोलोगे मैम आपने तो एक ही लाइन कंसिडर की है, लेकिन यहाँ तो फैमिली ऑफ लाइंस बोला है। फैमिली ऑफ लाइंस मीन्स उसमें नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए। और आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक ही लाइन आपने कंसिडर की है। देखो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वी गेट different lines. Therefore, equation one represents what? Family of lines. क्योंकि A and B की values हम जब change करेंगे तो हमें number of lines मिलेगी, इसलिए equation one क्या represent करता है, family of lines represent करता है। ठीक है, ओके। तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट 2 है, तो इक्वेशन हमें डिफरेंशिएट करना होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देयरफॉर डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ओके, एंड 1 अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज आई, प्लस 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट है एज इट इज। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx which is equal to 1 constant है तो derivative 0। ठीक है, first time हमने differentiate किया है। देखो 1 upon b dy by dx is equal to minus 1 upon a, b यहाँ divide है वहाँ जाके multiply होगा, therefore dy by dx is equal to minus b। ये मिला हमें first derivative, लेकिन arbitrary constant 2 है तो 2 times हमें differentiate करना है। so अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y by dx स्क्वायर एंड माइनस b अपॉन a इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। आप देख सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ इलिमिनेट हो चुका है। और दूसरी बात, आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास 2 है एंड आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी देख सकते हो, 2 ही है। ओके, सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑल पैराबोलास का, हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, लैटिस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, ये तो हमें पता है। ओके, एंड पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्सिस क्या है, पैरेलल है, किस है, एक्स एक्सिस। तो ठीक है, पैराबोला ड्रॉ करके देख लेते हैं, दिस इज आवर y एक्सिस
this is our x axis and this is our origin. ठीक है, उन्होंने कहा है पैराबोला की जो एक्सिस है वो पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से. तो देखो सपोज ये रही हमारी एक्सिस, क्या है एक्सिस ऑफ पैराबोला. ठीक है ओके, लैटिस रेक्टम कितना का होगा 4, तो हमारा पैराबोला होगा ऐसे लाइक दिस. ठीक है एंड दिस इज आवर, ये रहा ए और ये रहा बी. ये ए बी क्या है हमारा लैटिस रेक्टम जिसकी लेंथ कितनी है 4a, कहा है प्लेन है. तो ये रहा हमारा वर्टेक्स, तो क्या होगा h कॉमा k. ठीक है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा y माइनस k. देखो अबाउट कहा है x एक्सिस से, तो y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर is equal to 4a into x minus h. This is equation of parabola. ऐसा equation क्यों है, क्योंकि हमारा parabola about x axis है. Okay? Where h and k are what? Arbitrary constants. Where h and k are arbitrary constants. साथ में ही h k is our ये क्या है vertex. ठीक है, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास है, तो हमें इक्वेशन वन डिफरेंशिएट करना होगा टू टाइम्स. ठीक है डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा देखो वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर, पावर आगे लेना है और एक्स से कम करना है. ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया है, एक्स प्लस टू एम का, पावर आगे लेना है एक्स से कम करना है लेकिन एक्स की जगह में कौन है वाई माइनस के, तो इसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई. तो ठीक है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस के. ठीक है देन विच इज इक्वल फोर ए तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन माइनस एच कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ कौन है वन. ठीक है देयरफॉर y माइनस के इंटू वाई का डेरेवेटिव क्या हुआ dy वाई बाई डी एक्स, के तो कॉन्स्टेंट है उसका डेरेवेटिव जीरो आएगा विच इज इक्वल टू टू ए. क्या किया नाम आपने देखो टू टू जो फोर, तो यहाँ टू ए बाकी है. सो गिव इक्वेशन नंबर सेवन. ठीक है अब चाहो तो यहाँ y माइनस के की वैल्यू निकाल सकते हो, y माइनस के इज इक्वल टू क्या होगा टू ए अपॉन dy वाई बाई डी एक्स, आगे जाके जरूरत पड़ी तो. ठीक है ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां यूज करना होगा प्रोडक्ट. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मींस डी टू वाई बाय डी एक्स, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, एंड वाई माइनस के का डेरिवेटिव क्या होगा अगेन dy by dx. क्यों? y का डेरिवेटिव dy by dx, where k is a constant, so derivative is 0, and which is equal to 2a constant, तो derivative क्या होगा? 0. ठीक है? Therefore, y minus k into d2y by dx square plus dy by dx into dy by dx means dy by dx bracket square, and which is equal to 0. ठीक है? अगर आप अच्छी तरह से यहाँ ऑब्जर्व करो तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है लेकिन यहाँ कौन है k, दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे h एंड k, तो h तो एलिमिनेट हो चुका है लेकिन k एलिमिनेट हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे देखो हमने y माइनस के की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ प्रूव कर रहे हैं, देयरफॉर क्या वैल्यू थी 2a अपॉन dy / dx. ठीक है इनटू d2y / dx स्क्वायर प्लस dy by dx bracket square which is equal to 0. हमने कहाँ से लिखा है from equation 2, from equation 7. ठीक है therefore यहाँ देखो denominator क्या है 1, so by taking cross multiplication we get 2a d2y by dx square plus dy by dx bracket square into dy by dx means dy by dx bracket cube अपॉन में कौन होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन मींस dy by dx एंड व्हिच इज इक्वल टू 0. ये टर्म यहां डिवाइड है वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो फाइनली हमें मिलेगा देयरफॉर 2a
d2y by dx plus dy by dx bracket q, which is equal to 0. And this is required differential equation of all parabolas having length of lateral rectum 4a and whose axis is parallel to x-axis. Okay? Now, question number 4. फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. किसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है? इलिप्स का. तो ठीक है, इलिप्स निकाल लेते हैं. सपोज दिस इज आवर इलिप्स, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस. इलिप्स का सेंटर स्टैंडर्ड इलिप्स लिया हमने 0 0. ठीक है, हूज मेजर एक्सिस, इलिप्स को दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस एंड दूसरी माइनर एक्सिस. सपोज ये वर्टेक्स हम ले लेते थे ए 0. ठीक है, तो ये वर्टेक्स क्या होगा? माइनस ए कॉमन 0, ये 0 बी और ये होगा 0 माइनस बी. ठीक है, तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये हमारा है मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस जिसका लेंथ कितना होगा? ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए मीन्स 2. ठीक है, एंड ये जो वर्टिकल है इतना, ये है माइनर एक्सिस of the ellipse which is 2b. देखो ये लेंथ b, ये लेंथ b, b plus b 2b. therefore by using condition major axis means 2a is equal to twice minor axis means 2b. so 2 get cancelled, so what do we get? a is equal to 2b. हमने ये condition ली है. and इसके लिए equation of ellipse क्या होगा? therefore equation of इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्चुअली दो होते हैं, एक तो ऐसा इलिप्स होता है या फिर वर्टिकल होता है. तो हमने ये कंसीडर किया है हॉरिजॉन्टल, मींस यहाँ क्या है? ए ग्रेटर देन बी है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हियर विद ए ग्रेटर देन बी. ठीक है, हमें यहाँ मिला है ए इज इक्वल टू 2, पुट करते थे. सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1. अब आप देख सकते हो यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें डिफरेंशिएट a के टर्म करना होगा. आप बोलेंगे मैम a एंड b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन देखो ना a इज इक्वल टू हमें 2b मिला है, तो एक दूसरे के मल्टीपल में है. सो देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1. थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, व्हाट डू वी गेट? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1. बट इन एलसीएम एंड बाय सिंपलीफाई, ओके, देयरफॉर व्हाट डू वी गेट? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4b. ओके, नाउ अब देख सकते हो ये है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट. तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? ओनली 1 बार. देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to x. Therefore, x square का derivative 2x, 4 constant है, as it is y square का derivative 2y, dy by dx, and which is equal to 0, क्योंकि ये तो constant है. Therefore, 2 into x plus 4y, dy by dx, which is equal to 0. So, finally, x plus 4y, dy by dx is equal to 0. So, this is required differential equation of given ellipse. Okay? Question number 5th. Form the differential equation. हमें differential equation form करना है. किसका? Family of lines. Lines की family. उसमें दिया है which are parallel to these lines. ऐसे lines की family है जो lines इस line को कैसे होनी चाहिए? Parallel होनी चाहिए. और उस family का हमें find out करना है differential equation. तो क्या करेंगे? देखो d equation of a line parallel to 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 is 2x plus 3y plus c is equal to 0. हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट सेम होता है, चेंज सिर्फ कहां होता है? कांस्टेंट में होता है. तो इस लाइन को जो लाइंस पैरेलल होगी तो उसका इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया है. तो आप बोलोगे मैम ये तो एक इक्वेशन हुआ, तो फैमिली कहां से हुई? देखो यहां हम सी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ हियर सी इज व्हाट?
arbitrary constant. Okay, so for different values of c, for different values of c, we get different lines. We get different lines. But वो कैसे होगी? Which are parallel to equation star. वो ऐसी lines होगी जो equation star को कैसी है? Parallel. ठीक है? तो एक ही arbitrary constant है, इसका मीनिंग हम एक ही बार differentiate करेंगे. Differentiate equation one. Differentiate equation one with respect to x. What do you get? टू कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन. प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. प्लस सी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो एंड विच इज इक्वल टू देयरफॉर टू प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस गिवन. क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. किसका फाइंड आउट करना है? ऑफ ऑल सर्कल्स, ऐसे सभी सर्कल्स का जिसका रेडियस कितना होगा? नाइन. एंड सेंटर क्या है? एच के. तो एक ही सर्कल को आपने ऑल सर्कल्स क्यों बोला है? वेयर एच एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. जैसे जैसे एच एंड के की वैल्यूज हम चेंज करेंगे, रेडियस तो फिक्स हो लेकिन सेंटर चेंज होगा सर्कल का. दैट्स व्हाई ऑल सर्कल्स हमने बोला है. ओके, तो देखो सेंटर भी है एंड रेडियस भी है, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म फॉर्मूला. ठीक है, हियर सेंटर दिया गया है हमें ए एच के. ओके, एंड रेडियस इज इक्वल टू 9 यूनिट्स. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? सेंटर रेडियस फॉर्म विच इज x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर. देयरफॉर x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर r स्क्वायर. r कितना है? 9. सिंस यहां हमें मिला है 8. गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर h एंड k आर व्हाट? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? टू टाइम्स. डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे लेना है, एक्स से कम करना है, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच है तो इसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन. एच कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव. ठीक है, यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करना है. पावर आगे लेना है, एक्स से कम करना है, लेकिन वाई जो चेंज हो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है. वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस के कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो विच इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव क्या है? जीरो. ठीक है, देयरफॉर देखो टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं. टू अंदर कौन बचा है? एक्स माइनस एच, क्योंकि यहाँ तो वन ही है. एक्स माइनस एच इंटू वन, एक्स माइनस एच यहाँ कौन बाकी है? प्लस वन माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से ये टू मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. सो ओनली दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से x माइनस एच फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या मिलेगा? x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस y माइनस k इंटू डीवाई बाय डी एक्स. गिव इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, ये हमें कहीं तो यूज करना होगा इसलिए फाइंड आउट कर लिया. ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया. अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट डू यू गेट? ये तो टू तो कांस्टेंट है, वो वहां जाके जीरो हुआ है. ठीक है, तो एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव क्या होगा? वन. एक्स का डेरिवेटिव वन, एच कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो. प्लस यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा. ये फंक्शन ये फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वाई माइनस के एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मीन्स डी टू वाई बाय डी एक्स. देन सेकंड फंक्शन एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, एंड फर्स्ट का लेना है डेरिवेटिव.
के तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो होगा, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स टाइम विच इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वन प्लस वाई माइनस के इन टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से y माइनस के हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आप देख सकते हो यहाँ के इलिमिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम y माइनस के निकाल लेते हैं। देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स ये था हमने आज इधर की ये हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सो विच इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस के इन टू डी टू वाई बाई डी एक्स देयरफॉर ये माइनस हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ये मल्टीप्लाई है यहाँ आगे डिवाइड होगा सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ये कौन मिला है वाई माइनस के। देखो हमने वाई माइनस के भी निकाला है एक्स माइनस एच भी निकाला है जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। इक्वेशन फर्स्ट बिकॉज क्या था इक्वेशन फर्स्ट x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 18 तो दोनों वैल्यूज हमारे पास है। फर्स्ट हम x माइनस एच पुट कर देते हैं देयरफॉर क्या वैल्यू है माइनस y माइनस के इन टू डी वाई बाई डी एक्स ये रही x माइनस एच की वैल्यू उसका क्या है स्क्वायर उसका स्क्वायर है मीन्स लाइक दिस। ठीक है देन प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू क्या है 81 यह भी y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर है यह भी है तो y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है इंटू यहाँ क्या बचेगा नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा सो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एंड यहाँ कौन बचेगा 1। ठीक है विच इज इक्वल टू 81 देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 81 अपॉन y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर। ओके अब यहाँ आप देख सकते हो हम प्रूव कर सकते हैं y माइनस देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 81 अपॉन y माइनस के क्या वैल्यू है माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में कौन है डी टू वाई बाई डी एक्स मीन्स वो ऊपर चला जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स। ठीक है लेकिन ये रहा y माइनस के यहाँ y माइनस के का क्या है स्क्वायर तो देखो यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर हो गया अब क्या करेंगे देयरफॉर नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वन मीन्स ये था ओके एंड ये यहाँ डिवाइड यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर और इसका क्या है स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा सो विच इज इक्वल टू 81 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म सेम है यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है तो बेस सेम है पावर्स के हम लेते हैं एडिशन बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस देयरफॉर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू 3 एंड विच इज इक्वल टू 81 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर h k दिस इज द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास ऐसे सभी पैराबोलास का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके लिए हमें दिया है हूज एक्सिस इज एक्स एक्सिस पैराबोला की एक्सिस हमें दी है एक्स एक्सिस तो डायग्राम कैसा होना चाहिए देखो दिस इज आवर एक्स एक्सिस ओके दिस इज आवर वाई एक्सिस हमारे पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है मींस पैराबोला ऐसा तो आप बोलोगे मैम यहाँ क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि स्टैंडर्ड पैराबोला है वर्टेक्स ओरिजिन है ऐसा कुछ भी नहीं बोला तो वर्टेक्स हम मान लेते हैं सपोज वी एच कॉमा जीरो जीरो क्यों दिया है हम कौन सा एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे है ओके एंड सपोज दिस इज आवर
माइनस रेड एंड ये हमारा फोर्स है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है बताओ? इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये वर्टेक्स है, मीन्स हमारा इक्वेशन होगा क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, फर्स्ट वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के, ऐसा होता है। लेकिन जब k होता है यहाँ का उसकी वैल्यू क्या है जीरो, सो व्हाट वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। आप देख सकते हो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट फिर भी कितने हैं हमारे पास दो, वेयर a एंड h h आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा इक्वेशन, टू टाइम्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, फोर ए तो कॉन्स्टेंट है, एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव क्या होगा वन। ठीक है, सो व्हाट यू गेट देयरफॉर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए, ये इक्वेशन मिला है बाय टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू टू ए का कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, देयरफॉर वाई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। So this is required differential equation of all parabolas whose axis is x axis. Okay? Thank you.